तो दोस्तों हमारा समोसा अभी फ्राई हो रहा है किचन में। तो हाय करो पूजा। हाय। तो मैं वही बाबू के साथ खेल रही है, देखिए। बहुत टेस्टी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू रियल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं नीतू आप सबकी स्वागत करती हूँ। तो कल शाम को ना हम लोग मार्केट गए थे और मेरी बाबू जो है बड़ी वाली वो समोसा का फरमाइश की। तो समोसा बाहर का खाने से क्या हुआ, एक दो बार हम लोग खाए थे दोस्तों, तो उससे क्या होता है बाबू को ना गैस हो जाता है, बड़ी वाली को गैस का प्रॉब्लम हो जाता है और उसको समोसा बहुत पसंद है। तो फिर वो मम्मा खाएंगे खाएंगे करके ज़िद करने लग गई। तो फिर बहुत उसको काफ़ी मनाई हूँ मैं कि चलो बाबू घर पे ही हम समोसा बना देंगे, कल घर पे घर बना देंगे, ऐसा बहुत उसको बहुत मनाई हूँ कि चलो नहीं खाते बाहर का बेटा तो घर पे बना देंगे। तो फाइनली आज हम उसके लिए समोसा बना रहे हैं क्योंकि वो याद रखी थी कि हमको समोसा आप बोल रहे थे कल बना के देंगे तो हमको बना के दीजिए। तो फिर आज हम घर पे ही समोसा बना रहे हैं दोस्तों, देखिए। और बहुत ही अच्छा समोसा बना था, एकदम लाजवाब क्रिस्पी एकदम से। और आपको विश्वास नहीं होगा कि बड़ी वाली बाबू 3 समोसे खाई है, हमको भी विश्वास नहीं हुआ। वो का मतलब बहुत है तो एक पूरा खा जाती थी बहुत मुश्किल से, लेकिन 3 खाई थी। तो देखिए हमारा समोसा बन रहा है, इसको अच्छे से रोट। तो दोस्तों हमारा समोसा अभी फ्राई हो रहा है किचन में। तो इतने में हमारी वो पूजा है ना, वो आई है हमसे मिलने के लिए, बाबू के साथ खेलने के लिए। तो हाई करो पूजा। हाय। तो मैं वही बोल रही हूँ समोसा खा के जाओ, पूजा समोसा बन रहा है तो बच्चे लोग का ही होता है समोसा तो ऐसे। तो मैं बोल रही हूँ खा के जाइए, तो देखते हैं खा के जाएगी तो अच्छा रहेगा। बाबू के साथ खेल रही है, देखिए। बाबू कुछ बोल रहे हो? तो दिखाती हूँ। अच्छे बना रहे। तो हमारा समोसा देखिए दोस्तों, देखिए फ्राई हो चुका है और अभी बच्चा है उसको करेंगे फ्राई। तो देखिए समोसा एक बार बन के निकल गया है दोस्तों, रेडी हो गया हमारा समोसा, एकदम क्रिस्पी बना है, बहुत ही गर्म है, उठा भी नहीं सकती हूँ, देखिए गरम गरम है एकदम। आप लोग भी जरूर आइएगा। एक बार निकाल चुकी थी तो वो खत्म हो चुका है दोस्तों, देखिए इतना टेस्टी बना है, एकदम बिल्कुल होटल जैसा ही बना है, होटल से भी अच्छा बना है। तो खत्म हो गया, अभी दूसरी बार निकाल रही हूँ, देखिए आप लोग भी आ जाइएगा खाने के लिए। तो और जो बचा है वो सब डाल देती हूँ। गाइस, तो मेरी जो आंटी है अभी समोसे बना रही है और क्या मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए आंटी हमेशा कुछ नया नया करती रहती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे आंटी को प्लीज़ उसका जो चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो वो हमेशा और कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगी मतलब आप लोगों को। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और उन्होंने अभी बहुत अच्छे समोसे बनाए हैं जो आप लोगों ने देखे ही है। सो आप लोग भी घर पे बनाइएगा और बाहर से मंगवाने से अच्छा तो घर पे ही बनाइए, घर पे बना के सबको खिलाइए और खुद भी खाइए। ऐसा
लग रहा है, खा के देखो, टेस्ट करो। आप भी खाइए थोड़ा। हाँ खाओ दीजिए, खाइए। खाओ, अच्छा लगा हमको, बहुत टेस्टी लगा। अब तुम देखो। नहीं, आप लोगों को भी बनाना चाहिए, क्योंकि बाहर का तो ऐसे भी मतलब बोली। ये भी एक एकदम खत्म कर चुकी है सृजल, तो देखिए दूसरा लेने आई है, तो ये भी बहुत टेस्टी लगा बाबू को मेरी। सृजल को भी बहुत टेस्टी लगा है। सृजल कुछ बोल दो। बहुत टेस्टी है आंटी। तो फाइनली दोस्त हमारा समोसा बन गया है, सब लोग गरम गरम खा भी लिए हैं, बस मेरे लिए बचा हुआ है। तो बाबू का पापा भी खा लिए, बाबू भी खा लिए, तो बस मेरे लिए बचा हुआ है, तो मैं भी खा लेती हूँ। सॉस डाले, हमको सॉस डाल के बहुत पसंद है खाने में, और बहुत क्रिस्पी बना है एकदम, बिल्कुल बाजार जैसा फील ही नहीं हो रहा है कि घर में बनाई हूँ, एकदम बाजार जैसा ही है। बहुत टेस्ट है। तो हमेशा तो नहीं होता है कि घर पे ही बनाए, कभी कभी बाजार से भी ले आते हैं, लेकिन घर में बनाए तो ज़्यादा बना पाते हैं, जितना मन उतना खा सकते हैं, इसीलिए घर में बना लिए हैं। तो अभी मैं बहुत थक गई थी, बाबू भी बहुत परेशान की छोटी वाली। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग के साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप पहली बार ही मेरे चैनल में, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।